1959 तक मिग सुपरसोनिक फाइटर प्लेन सोवियत यूनियन फ्लीट में शामिल हो जाते हैं। वहीं इसराइल ने मिग 21 के लिए ऑपरेशन डायमंड चलाया था। सेंटर फॉर इसराइल एजुकेशन के मुताबिक मिग 21 सोवियत यूनियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल हुआ तो वो ना सिर्फ सोवियत यूनियन बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन में से एक था। अमेरिका और इसराइल जैसे देश हर हाल में मिग 21 की टेक्नोलॉजी को जानना चाहते थे और रशिया ने इजिप्ट और इराक को ये फाइटर प्लेन दिया था। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने जिम थॉमस के लीडरशिप में मिग 21 को किडनैप करने के लिए दो बार ऑपरेशन डायमंड चलाया था, लेकिन दोनों बार ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। तीसरी बार मोसाद को मुनीर रेदफा नाम के एक इराकी एयरफोर्स पायलट मिला, जिसे एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करने की वजह से इराकी एयरफोर्स में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। मुनीर रेदफा को पहले मोसाद की खूबसूरत महिला ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर $10,00,000 और फैमिली को सिक्योरिटी देने का आश्वासन मिलने पर मुनीर मिग 21 को लेकर के इसराइल की टेरिटरी में पहुंच गया।